सिद्धि माई की जग हसाई। तो तुम हो शिवाय सिंह ओबेरॉय, बहुत सुना है आपके बारे में। आओ भक्त, हमारी शरण में आओ। रुको, क्या हो? माई, हम बताते हैं। उल्टा पाँव है, सीधे पाँव से प्रवेश कीजिए। क्या हुआ? सिद्धि माई का कहना है कि पवित्र स्थल में कदम हमेशा सीधा होना चाहिए, तभी सब शुभ होता है। सत्य वचन, सत्य वचन। उल्टा पाँव हो या सीधा पाँव, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजों को नहीं मानता, पर बड़ों की बात तो मानता है ना। कम से कम सिद्धि माई की बात का मान ही रख लेता। क्या हो गया आपको दादी? तुझे क्या हो गया है बिल्लू? किसी की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकता। कल्याणी, रहने दो, ये अभी नादान है, हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखता है। इसके अंदर अभी विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है। वैसे तो मुझे पता नहीं उत्पन्न होता क्या है, पर अगर सिद्धि माई कह रही है तो उत्पन्न कोई अच्छी चीज होती होगी। भैया कर लो। लेकिन जब ये हमारी शरण में आएगा, इसे परम ज्ञान की अनुभूति होगी। आओ पुत्र, हमारी शरण में आओ। I'm okay. मैं जहां हूं ठीक हूं। मैं बहुत है तुम्हारे अंदर, लेकिन हमारी कृपा दृष्टि से तुम्हारे अज्ञान का अंधेरा छट जाएगा और तुम्हारी मैं तू ही तू में बदल जाएगी। विश्वास की शक्ति को पहचानो पुत्र। विश्वास को भी जानता हूं और अंधविश्वास को भी। चल, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ, उल्टा हाथ नहीं, सीधा हाथ। क्यों? हम बोलते नहीं, करते। हाथ आगे बढ़ाओ। बड़ों की आशीर्वाद को इनकार नहीं करते पुत्र। सिद्धि माई तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती है। हाथ आगे करो, करो। कूल है। तुम्हारे हाथ में हमारा चमत्कारी प्रसाद आने का मतलब समझते हो पुत्र? तुम आम इंसान नहीं हो, तुम खास हो, बहुत खास। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ये किसी अनजान इंसान से जानने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? हम आए नहीं हैं, हमें आना पड़ा। हमारे भक्तों पे जब भी कष्ट आता है, कष्ट निवारण के लिए हमें आना पड़ता है। कल्याणी जब हमारे आश्रम में आई तो इसे देखकर हमें अनुभूति हो गई कि इसका मन कितना विचलित है, अंदर से कितनी दुखी है ये। This is absolutely nonsense, okay? मेरी दादी को कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, मुझे पता है। जहाँ सुख होता है, दुख भी वहीं होता है पुत्र। कल्याणी को परिवार का सुख मिला तो दुख भी वहीं से मिला। बड़ा बेटा अपनी चलाता है, बाप बेटे की बनती नहीं है, बड़ों के दिल का आपस में मेल नहीं है। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी कल्याणी अंदर से अकेलापन महसूस करती है, इसलिए इसके दुखों का निवारण करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। एक सेकंड, ये मेरा घर है, मेरी प्रॉब्लम्स है, इसे सॉल्व भी मैं करूंगा, किसी और की जरूरत नहीं है मुझे, ओके? ये क्या बोल रहा है तू? कम से कम बात करने से पहले ये तो सोच लिया कर के किससे बात कर रहे हैं। दादी, ये जो भी है, इन्हें कोई हक नहीं बनता हमारी फैमिली में इंटरफेयर करने का। बस, अब एक शब्द भी और नहीं। कल्याणी, रहने दो, हमने कहा ना वो नादान है। चलिए, अब हमारा
जाने का समय आ गया है। नहीं नहीं सीधी भाई, आप रुकिए, बिल्लू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अभी मत जाइए, हमें आपके इतने सारे चमत्कार जो देखने। सिद्धि माई, आप हमारे घर आई, हमारा घर पवित्र हो गया। अब आप यहाँ और रुकेंगी तो हमारे घर पे आने वाली हर मुसीबत, हर कष्ट, हर हराई के टल जाएगा। तुम सब पागल हो गए रूडी, what's wrong with you? करो तुम कारा जी, क्या वो गुस्सा हो जाएंगी। स्टॉप, अनर्थ हो सकता है। वो गुस्से में घर से चलेगी, हम सबको श्राप लगेगा। स्टॉप। सिद्धि भाई, एक दिन के लिए यहाँ आए, तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते बिल्लू। सिद्धि भाई, बिल्लू की बातों का बुरा मत मानिएगा, ये नादान है। हाँ, रुक जाइए, बहुत मजा आ रहा है। आई मीन प्लीज ठहर जाइए। ठीक है। जय सिद्धि माई, जय सिद्धि माई, जय 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 जय। ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में नहीं, किसी आश्रम में आ गया। हमें तो लग रहा है जैसे हम रुद्र को जानते ही नहीं थे। Exactly. गौरी का समझ में आता है, दादी का भी एक हद तक समझ में आता है, क्योंकि रुद्र से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शिवान, ये रही आपकी काली कॉफी। थैंक्स अनिका, मुझे बहुत जरूरत थी इसकी। क्या किया तूने रूडी? मेरी ब्लैक कॉफी थी वो। हाँ, ब्लैक कॉफी नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि वो काली है। तो सिद्धि माई ने कहा है कि आज घर में सब कुछ सफेद होना चाहिए, खाना भी सफेद, कपड़े भी सफेद, सब सफेद। क्यों? अरे अभी तो बोला, सिद्धि माई ने बोला इसलिए। एक सेकेंड, इधर देखो, लॉजिक क्या है इसके पीछे? अरे बड़े भैया, लॉजिक नहीं देखते धर्म कर्म की बातों में, विश्वास देखते हैं। ये विश्वास नहीं है, अंधविश्वास है। एग्जैक्टली, और तुम लोग इस औरत को कल तक जानते भी नहीं थे और आज उसके भक्त बने घूमे हो, उसके इशारों पे नाच रहे हो तुम दोनों। इंसान को भगवान बना देना कहाँ का विश्वास है? इंसान यही तो दिक्कत है ना, वो इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है, वो बहुत पहुंची हुई चीज है। आपने देखा नहीं होगा, सुपरमैन की तरह उड़ रही थी, कोई नॉर्मल इंसान कर सकता? नहीं कर सकता। Exactly. वो नहीं कर सकता क्योंकि वो चमत्कारी है। चमत्कारी है या चमत्कारी है ना, ये तो वक्त ही बताएगा। अरे वक्त क्या बताएगा, आपने देखा नहीं हो कैसे सुपरमैन की तरह उड़ रही थी? हाँ, तूने देखा नहीं, वो सुपरमैन की तरह उड़ रही थी, तो मक्खी भी उड़ती है, तो क्या मैं उसकी पूजा करूँ? जी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसी बातें कर रही हैं? आपको पता है वो सब जानती है हमारे बारे में, सब कुछ। अरे तो उसमें कौन सी नई बात है, सब जानते हैं हमारे बारे में, हम ओबेरॉयज है, सब जानते हैं। ओबेरॉयज हमारा जो कुछ भी होता है मीडिया कवर करती है, इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड दैट आउट। बट बड़े भैया, आप लोग नहीं पता नहीं मान रहे क्योंकि मानना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली, लेकिन सच ये है कि वो चमत्कारी चिड़ैया है, ठीक है, और तभी दादी भी उन पे इतना विश्वास करती है। एनीवे, आप लोग कपड़े पहन लीजिए। हमने कपड़े पहने हैं, दिख रहा है? दिख रहा है मुझे, ये वाले, आप ये वाले पहने, आपको दिखा, ये वाले कपड़े पहने। ये किसके लिए? आज से हमको महा आरती है और जैसा कि हमने कहा कि हाँ, पहनने यही पड़ेंगे। हाँ। क्योंकि सब सफेद पहनना है आज। हाँ, और सुनो, खाने में सिर्फ खीर मिलेगी, वाइट है ना। जय 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 रिडिकुलस। मुझे एक बात समझो, ये हमारे रिश्तेदार हैं या सिद्धि माई के रिश्तेदार? ये सिद्धि माई का नाम ना हमें पहले सुना है। पहले नहीं, आज सुबह से ही सुन रहे हैं, इतना सुन चुके हैं कि कान बज रहे हैं। नहीं नहीं भैया, वो हमें ऐसा लग रहा है हमने इसका नाम ना अपने पुलिस स्टेशन में किसी रिकॉर्ड फाइल में पढ़ा था, किसी केस के सिलसिले में, पर कौन सा केस था याद ही नहीं आ रहा है। तो याद करो, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो, मुझे चाहिए इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। जी भैया, हम अभी पता लगाते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन की बात है, कल वो सिद्धि पिद्धि माई ना वट लेगी। वो चली जाएगी, लेकिन दादी गौरी और रू के दिलो दिमाग से वो नहीं चाहिए, इसलिए हमें उन तीनों को उस औरत के जाल से बचाना है। काम करो तुम दोनों, जब तक भव्या सिद्धि माई के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं लेती, दादी गौरी और रू के आस पास ही तुम दोनों रहना। मैं नहीं चाहता वो औरत उन तीनों के भोलेपन का फायदा उठाए। माई, ये ओबेरॉय तो आपके पक्के भक्त हो गए हैं, जब से उन लोगों ने आपका वाला चमत्कार देखा है ना, उनके मुंह तो खुले के खुले रह गए हैं। पर उन्हें क्या पता कि ये चमत्कार मेरा नहीं, तुम्हारा है। सालों से लोगों को इस चमत्कार को दिखाकर बेवकूफ बना रहे, पर आज तक असली सच किसी को भी नहीं पता चला, और मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सीक्रेट तो सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। बाकी सब तो ठीक है माई, लेकिन वो जो शिवाय है ना, अरे बहुत ही टेढ़ी चीज है,
इससे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कैसे आप बिना बताए सिद्धि माई के कमरे में घुसा है? ये मेरा घर है और अपने घर में मुझे कहाँ जाना है और कब जाना है इसके लिए किसी बाहर वाले की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आओ भक्त, हमें पता था देर से ही सही, पर तुम हमारी शरण में जरूर आओगे। तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी जब मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगा। ये तो नहीं हो सकता, हम जो यहाँ करने आए हैं वो तो हम करके ही जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा मतलब है पूजा पाठ सत्संग। ओके, जस्ट कट द क्रैप। धर्म कर्म का नाटक ना मेरे सामने मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत पता है। तुम एक फ्रॉड हो। हाँ हूं तो कैसे साबित करोगे तुम? कौन मानेगा तुम्हारी बात? कैसे यकीन कराओगे? लोग विश्वास से ज्यादा अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चमत्कार करती हूँ, लोगों का डर दूर करके उन्हें उम्मीद दिलाती हूँ। उम्मीद नहीं, झूठी उम्मीद। और तुम लोगों का डर नहीं दूर करते, उनके डर का फायदा उठाते हो अपने लिए और उनसे पैसे ऐंठते हो। पर अब नहीं, अब नहीं, अब तुम किसी भी मजबूर की मजबूरी का फायदा नहीं उठा पाओगी, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारा सच लाऊंगा। दुनिया के सामने? शिवाय सिंह ओबराय, तुम तो अपने घर वालों को भी नहीं समझा सके। उस वक्त मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। पता तो तुम्हें अब भी कुछ नहीं है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। सिद्धि माई से जो भी टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। ओके, जो अपने हाथ। हरे कल्याणी, आओ ना। पिल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा है? बहुत उलझने थी इसके मन में, हमने दूर कर दी। अब सारे भ्रम दूर हो गए। मुझे पता था इसके मन में भी विश्वास जरूर जागेगा। दादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाद में पुत्र, अभी महाआरती का समय हो गया है। चलिए सिद्धि भाई। अति सुंदर, हम तुम्हारा सेवा भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भक्ति ही है, और सेवा उस मार्ग की कठिनाइयों को आसान कर देती है। सत्य वचन, सत्य वचन। मैंने जो तुम्हें चढ़ावा चढ़ाने के लिए कहा था वो तुम ले आई हो ना? जी सिद्धि भाई, करी उधर चढ़ावा ले। हाँ जी। ये लीजिए। एक मिनट, चढ़ावे के नाम पर कितना मांगा इन्होंने? पांच सौ, दस, पचास। खुद ही देख ले, 11 रुपए। 11 रुपए चढ़ाने को बोले, बाकी सब मिठाइयां। चढ़ावे की कीमत नहीं देखी जाती, चढ़ावा चढ़ाने वाले का मन देखा जाता है। ये तुम्हारी निष्ठा और सेवा भाव है कल्याणी, कि हम शिवाय को बार बार माफ कर देते हैं। हम जानते हैं धर्म कर्म के नाम पे बहुत लोग ढोंग रचते हैं, लोगों को ठगते हैं, पर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सबको एक समान मत समझा करो।
आज जैसे ही हमें ईश्वर से अलौकिक ज्ञान की अनुभूति होगी, हम प्रसाद खुद बनाएंगे। जय 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 जय। फोन पे गुस्सा निकालने से क्या होगा? तो क्या करूं मैं? वो औरत एक ढोंगी है और मेरा परिवार उसके जाल में फंसता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आज पहले आप शांत हो जाए। आप जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, कोई रास्ता निकल आएगा। शिवाय गाइस, रास्ता मिल गया। हमने सिद्धि माई के बारे में सब पता लगा लिया है। ये देखिए, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। सिद्धि माई एक फ्रॉड है और उस पर बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं। उसका असली नाम बबीता आनंद है। अपने घर से भाग गई थी और अब सिद्धि माई बनके लोगों को लूट रही है। और इसके सारे चमत्कार फेक हैं। और यही नहीं, ये लड़कियों को दहेज के लिए टॉर्चर भी करती है। दहेज के लिए? कौन सी लड़कियां? जिनके ससुराल वाले इसके भक्त हैं। उन्हें एक सेकंड, मुझे अब याद आया, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। एक मिनट, मतलब ये लुच्ची तुच्ची ने तो शर्म ही बेच खाई। धर्म के नाम पे कितने रायते फैलाए हुए हैं और लोग भी पागलों की तरह ऐसे पाखंडी बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं। सही अंधविश्वास कहते हैं अनेका। और सिर्फ यही नहीं, मैंने तो ये भी सुना कि सिद्धि माई एक स्पेशल पूजा करती है जिसके दौरान लोगों को हिप्नोटाइज करती है और घर के सारे कैश, ज्वेलरी, सारे महंगे सामान लेकर फरार हो जाती है। आप सोच क्या रहे हैं? काम करो, तुम लोग जाओ महाआरती में, मैं आता हूं। एक सेकंड, महाआरती क्यों जा रहे हैं? सिद्धि माई का कोई ना कोई ड्रामा ही चल रहा होगा उधर। ओम दादी की खुशी के लिए जाओ, अभी रहे। देखिए शिवान, मुझे पता है आपके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, आप हमें बताइए। तुम लोग चलो, मैं आता। अनिका जी, खन्ना को भेजना। ठीक। जय जय जय। अब हमें संकेत मिल गया है, हम जाके प्रसाद बनाते हैं। तब तक आप लोग पूजा करिए। चलिए माई, हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं, प्रसाद हम खुद बनाएंगे। इसको प्रसाद में डालेंगे ताकि अपना काम आसानी से हो सके। जाओ। बहुत अकड़ है ना तुझमें, आज तेरी सारी अकड़ निकालती हूं। काम हो गया भाई? बस हो ही गया। जय 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 जय। अब सिद्धि माई का बनाया हुआ प्रसाद आप सभी लोगों में बांटा जाएगा। अब नहीं कल्याणी, तुम महाआरती से पहले कुछ भी नहीं खा सकती। बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम जाकर थोड़ा आराम करो, रात भर जागना है ना। जी सिद्धि माँ। कि प्रसाद सब में बांट दो। जी जी। एक मिनट, हम कैसे मान ले ये आपने इसमें कुछ मिलाया नहीं है? स्टार प्लस
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।